हमने फोर्थ चैप्टर किया था वो चैप्टर फिनिश हो गया था हमारा. आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर फिफ्थ, स्टेट ऑफ मैटर्स. ठीक है, अब कोई भी मैटर है हमारे पास वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है. ऐसे तो नहीं है कि सारे के सारे एक ही स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. अगर ऐसा होता तो सारे ही सब्सटेंस सॉलिड होते हैं, फिर सारे के सारे लिक्विड होते हैं, फिर सारी चीजें गैसेस होती है ना. अब ये है कि क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में ये भी आता है कि डिफरेंट फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, कोई लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, कोई गैस में एग्जिस्ट करता है, ऐसे क्यों एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे एक ही स्टेट में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते. ये इसके पीछे रीजन है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, जिसके बीच में ज्यादा फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है मैटर. ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा फोर्स होता है वो सॉलिड होते हैं, फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाता है वो गैस सॉरी लिक्विड हो जाते हैं, और फोर्स और भी वीक हो जाता है तो वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मैटर है हमारा. अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम करते हैं डिफरेंट स्टेट, कौन कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड लिक्विड और गैस. मेन थ्री टाइप होती है, बट वैसे फाइव स्टेट होती है, जो दो हम नहीं पढ़ते, एक तो बोस आइंस्टीन है, एक बोस कंडेंसेशन है. ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं जिसको, उसको नहीं पढ़ते हैं, रेयरली पढ़ते हैं. डिफरेंट हमें यही पढ़नी है फाइव. तो इसके अंदर करते हैं हम भाई स्टेट ऑफ मैटर. तो यहां पर क्या होता है, डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट ड्यू टू डिफरेंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, डिफरेंट इंटरमोलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट बिटवीन देम. ठीक है, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस में प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से डिफरेंट स्टेट एग्जिस्ट करती है. ठीक है, हम मेन करते हैं भाई कौन कौन से हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड के अंदर क्या होता है, सॉलिड कौन से होंगे जिनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है. डेफिनेट शेप ये पता ही है, तुम कर चुके हो, शुरू से ही करते आ रहे हो. डेफिनेट वॉल्यूम, इसका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम. शेप डेफिनेट नहीं होती, अनडेफिनेट शेप. और इसमें क्या होता है, शेप और वॉल्यूम दोनों ही डेफिनेट नहीं होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंग होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रोंगेस्ट. इसके अंदर कैसे होते हैं, स्ट्रोंगेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, इसके अंदर इनसे कम होते हैं. ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन सॉलिड एंड हायर देन गैस. ठीक है, हायर देन गैस. ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स हैं आर वीकेस्ट. ठीक है, क्या होते हैं, वीकेस्ट होते हैं. ओके, वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं. नेक्स्ट इज इसके अंदर डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, बिकॉज अपन क्लोजली पैक है, बिल्कुल पास पास है मॉलिक्यूल, तो डेंसिटी डिपेंड करती है यहाँ पर लिख दे रही हूँ. डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, है ना. डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम. तो
देखते हैं, सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, कम, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा, तो ठीक है, तो इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई, ठीक है, डेंसिटी क्या होती है इनकी, हाई होती है। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, लो, डेंसिटी क्या होगी, लो, ठीक है, इसकी क्या होगी डेंसिटी, लोवेस्ट, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल ही कम होगी, बिकॉज जितने जिस भी कंटेनर में हम गैस लेते हैं वो पूरे वॉल्यूम के अंदर एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है, तो पूरा का जितना भी जिस साइज का हम कंटेनर लेते हैं उसके अंदर एक्सपेंड कर जाती है वो, ठीक है, तो इस वजह से वॉल्यूम ज्यादा है, मैक्सिमम है, और ज्यादा वॉल्यूम की वजह से फिर डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज लेस एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो एनर्जी क्या होगी, कम, लिस्ट एनर्जी, इनकी एनर्जी सबसे कम, लिस्ट की तो लिस्ट होती है, इसकी लेस एनर्जी हो जाएगी और इसकी क्या होगी, मोर, ठीक है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी सबसे कम, फिर इसकी कम, फिर इसकी सबसे ज्यादा होगी, तो ये तो था भाई डिफरेंस। नेक्स्ट है टू स्टेट एग्जिस्ट और करती है भाई, एक तो है प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास सुपर कूल्ड सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड, ठीक है। प्लाज्मा स्टेट कौन सा होता है, प्लाज्मा स्टेट होता है कि जब हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स, इनको हम हाई टेम्परेचर, वेरी हाई, ठीक है, वेरी हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं, ठीक है, जो स्टार्स वगैरह पे होते हैं ना, स्टार्स वगैरह पे, वहां पर जब हम इनको एक्सेस टेम्परेचर में एक्सेस स्ट्रॉन्ग हीटिंग दी जाती है तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा स्टेट, और जब एक्सेस कूलिंग की जाती है, ठीक है, एक्सेस कूलिंग की जाती है तो सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है, जब एक्सेस हीटिंग की जाती है प्लाज्मा, एक्सेस कूलिंग की जाती है तो सुपर कूल्ड लिक्विड सॉलिड, सुपर कूल्ड सॉलिड, ओके, सुपर कूल्ड सॉलिड, कूल्ड जब एक्स्ट्रा कूल्ड, सुपर का मतलब क्या है, बहुत एक्सेस में, कूल्ड का मतलब ठंडा करना, सुपर कूल्ड कूलिंग की जाती है तो सुपर कूल्ड लिक्विड बनते हैं, और जब एक्सेस हीटिंग की जाती है तो हमारे पास प्लाज्मा बनती है। तो ये हमारी स्टेट हो गई है, अभी फाइव स्टेट, उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आते हैं हमारे पास नेक्स्ट, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स करेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, नाम से समझो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, इंटर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। अच्छा भाई उसमें चलो यहीं पे करवा देते हैं, डिफरेंट, मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स,
तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अब भाई मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा रिपेल भी करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली 100% अट्रैक्शन नहीं होती, बिकॉज क्योंकि उस एक मॉलिक्यूल है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है और ये मॉलिक्यूल है इसके पास भी इलेक्ट्रॉन प्रोटोन है। हमें पता है इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं रिपेल और प्रोटोन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अट्रैक्ट। तो इस वजह से हम ये नहीं कहते कि स्ट्रॉन्गली 100% अट्रैक्शन होती है या फिर 100% रिपल्शन होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इन दोनों के जहां पर अट्रैक्शन भी हो और रिपल्शन भी हो तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं इंटरैक्शन, ठीक है। जहां पर अट्रैक्शन भी हो और रिपल्शन भी हो तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं इंटरैक्शन, ओके। तो यहां पर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिफरेंट इंटरैक्शन होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। तो ये 6 to 7 टाइप के होते हैं भाई, ठीक है, 6 to 7 टाइप के। फर्स्ट चीज के अंदर है डाइपोल 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 इंटरेक्शन। फर्स्ट है इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। डाइपोल डाइपोल क्या होता है, डाई मतलब दो, पोल मतलब पॉजिटिव है, पोल एक पोल, ठीक है। तो डाई पोल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। तो यहां पर एक डाइपोल और दूसरा डाइपोल दोनों ही क्या हो, डाइपोल हो, उनके बीच में जब इंटरेक्शन होती है दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एग्जाम्पल हम इसका करते हैं भाई, जैसे HCl, ठीक है, ये HCl, ये H पॉजिटिव होता है, ये Cl नेगेटिव होता है। तो यहां पर एक और ले लेते हैं हम H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या है, दिख रहा है ना क्लियरली, विजिबल है, ठीक है। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यहां पर ये HCl, थोड़ा सा HCl, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहां पर अब HCl ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। एक ये डाइपोल है, इसको क्या बोलते हैं हम, डाइपोल। इसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी चार्ज है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव भी चार्ज होता है उस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। ये डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो ये इस मॉलिक्यूल के बीच में और इस मॉलिक्यूल, ये डाइपोल जब ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ओके। तो ये क्या है हमारी, जो ये वाली इसके बीच में जो ये इंटरेक्शन दिख रही है, ये वाली ये है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सेकंड इज आयन डाइपोल, सॉरी, सेकंड इज आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब यहां पर क्या होगा, एक आयन, वो आयन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी हो। आयन आयन किसको बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज होना चाहिए चाहे कैसा भी चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को बोलते हैं वैसे कैटायन, नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में से कोई सा भी हो उसको बोलेंगे हम आयन, एक तो हो आयन और एक हो डाइपोल। तो यहां पर हम ले लेते हैं कोई भी आयन डाइपोल ले लेते हैं,
NaCl into water. तो यहाँ पर क्या होता है भाई, जो Na पॉजिटिव है, ये Na पॉजिटिव, ये है Na पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना ये, इसके सराउंडिंग में क्या होगा O2 नेगेटिव. हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है. इसके ऊपर नेगेटिव होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है. तो जो ये सोडियम है पॉजिटिव आयन, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, नेगेटिव आयन, ठीक है. और जो ये Cl नेगेटिव है उसमें क्या होगा, Cl नेगेटिव उसमें क्या होगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन वाला दूर होगा, हाइड्रोजन पास होंगे इसके, ऑक्सीजन दूर होंगे. ठीक है, हाइड्रोजन इसके टुवर्ड होंगे और नेगेटिव पार्ट. अब ये खुद नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव को ही तो अट्रैक्ट करेगा, उसको रिपेल करेगा, ठीक है. तो इस वजह से अब ये एक आयन है और ये डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल, ठीक है. और ये क्या है, आयन, ठीक है. ये है आयन और ये है डाइपोल, तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन हो रही है, ये वाली जो इंट्रैक्शन है, इसको हम क्या कहते हैं, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है भाई. तो ये हमारा सेकंड टाइप का हो गया है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. अब हम थर्ड करते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल. नेक्स्ट इज थर्ड है हमारे पास, आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल इंट्रैक्शन, आयन इंड्यूस डाइपोल. पहला हमने किया था डाइपोल डाइपोल, दोनों के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव, इसके ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, डाइपोल डाइपोल. सेकंड हमने किया था आयन डाइपोल, एक आयन है, अगर वो आयन पॉजिटिव चार्ज है तो जो डाइपोल हमने लिया है उसके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो वो उसमें से नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा. अगर आयन पॉजिटिव है तो इसके नेगेटिव वाले को तो अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव वाले को रिपेल करेगा, ठीक है. थर्ड इज आयन इंड्यूस, आयन चाहे कैटायन ले लो या फिर एनायन ले लो, इंड्यूस का मतलब होता है क्रिएट, पैदा करना, ठीक है. डाइपोल मतलब जब आयन डाइपोल क्रिएट कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब एक कोई नॉन पोलर सब्सटेंस है उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है. नॉन पोलर क्या होते हैं भाई, जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, ठीक है. वो कौन से होंगे हमारे, नॉन पोलर, जिसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है अलग से, दैट इज नॉन पोलर. तो जब कोई आयन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देता है नॉन पोलर के ऊपर, नॉन पोलर को पोलर बना दे, मतलब नॉन पोलर को अगर वो पोलर बना दे, क्रिएट हो गया ना एक तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस. अगर वो क्रिएट किसके द्वारा हो रहा है, आयन के द्वारा हो रहा है, तो आयन इंड्यूस. किसने इंड्यूस किया है डाइपोल, आयन ने, ये है इसका मीनिंग. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहां पर NO2 नेगेटिव, ये आयन है, ठीक है. और यहां पर हम दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं आई टू, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा भाई, दोनों ही आयोडीन है. चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आता है. अब यहां पर दोनों ही आयोडीन है, इनकी स्ट्रेंथ इक्वल है खींचने की, ठीक है. इनकी क्या है, जो ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना हुआ है, इनकी इक्वल स्ट्रेंथ है, इसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है, अपनी तरफ खींचने इलेक्ट्रॉन की, दोनों की इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएंगे, बीच में ही रहेंगे. तो इस वजह से इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, हम चार्ज नहीं कर सकते.
बट इसमें क्या है, ये आयन हमने लिया है, कौन सा ले लिया है हमने, एनायन। ठीक है, जैसे ही एनायन इस आई टू के पास जाता है, जैसे ही ये एनायन इस आई टू के क्लोज जाना शुरू करता है, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है भाई, इसमें है तो सही, इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटोन भी है तो सही, बेसिक से पार्टीशन अलग अलग नहीं हो रहा है तो इक्वल ही सेपरेट है, मतलब पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है उसमें इक्वली पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज सेपरेट है, अलग अलग से नहीं हो रखा हो। ठीक है, तो यहां पर ये है, बट ये जो एन टू नेगेटिव है ये क्या करता है, नेगेटिव है ये इसके पॉजिटिव वाले पार्ट को अपनी तरफ खींच लेता है और नेगेटिव वाले पार्ट को क्या करता है, रिपेल कर देता है। ठीक है, इसके पॉजिटिव वाले पार्ट को अपनी तरफ खींच लेगा और नेगेटिव वाले पार्ट को रिपेल कर देगा, तो वो क्या हो जाएगी, इसके ऊपर अब कैसा चार्ज क्रिएट कर दिया इसने, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जैसे ही NO2 इसके पास आया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गया है जनरेट इसके ऊपर, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयन इंड्यूस डाइपोल, मींस आयन ने डाइपोल इंड्यूस कर दिया। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। पहले आयन डाइपोल इंड्यूस कर रहा था, अब डाइपोल खुद ही डाइपोल इंड्यूस करेगा, मतलब कोई हमने मॉलिक्यूल ले लिया जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, ये हमने ले लिया भाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये डाइपोल ले लिया है हमने। ओके, ये जो दूसरा है ये हमने नोबल गैस ले ली। ओके, कोई भी कंपाउंड जिसके ऊपर नॉन पोलर कोई चार्ज ना हो। ओके, ये डाइपोल लिया है, इसका मतलब क्या है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल क्रिएट करता है, इसका मीनिंग क्या होगा, डाइपोल एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। पहले उसके पास वाला सब्सटेंस के ऊपर डाइपोल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, वो उसको क्रिएट कर देता है, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, तो यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब जो ये नोबल गैस है इसमें क्या है, नोबल गैस में क्या होता है, बीच में इलेक्ट्रॉन है, सॉरी बीच में प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस होता है।